देश के विभिन्न जगहों के लोग तिनसुकिया में चलाई जा रही हम देंगे साथ सबको मिले रोटी भात मुहिम से आकर्षित होकर लगातार इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। ऐसे ही आज दिल्ली के ख्याति प्राप्त व्यवसायी इंद्रपाल सिंह को भी जैसे ही इस योजना की जानकारी विभिन्न माध्यमों के जरिए मिली, उन्होंने भी स्वेच्छा से इस मुहिम से जुड़कर 51 परिवारों को सहायता देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम में से हरेक को इस समय गरीबों को सुध लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, कोरोना के खिलाफ जंग में हम तभी जीत सकेंगे जब देश के हर गरीब को भर पेट भोजन मिलता रहेगा। हिंदी इंग्लिश हाई स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक स्व पीपी तिवारी के पुत्र अशोक तिवारी ने भी 11 परिवारों को मदद देने का भरोसा दिया। साथ ही युवा व्यवसायी संजय जैन ने भी 5 परिवारों के लिए राशन दान देने का जिम्मा लेते हुए कहा कि इस मुहिम के द्वारा किया जा रहा प्रयास यकीनन प्रशंसनीय है। तिनसुकिया के युवा नेता संजय सिंह, जो वर्तमान में लॉकडाउन के चलते गुवाहाटी में रहने को मजबूर है, उन्होंने खुद आगे बढ़ कहा कि मैं और मेरा मित्र जितेश यादव, जो गुवाहाटी में व्यवसाय करते हैं, हमने यह निश्चय किया है कि हम लोग भी 50 परिवारों को इस योजना के मार्फत सहायता उपलब्ध कराएंगे। संजय सिंह ने इस बारे में एक बयान जारी करते हुए कहा, तिनसुकिया में संचालित हम देंगे साथ मिले सबको रोटी भात, संजय खेतान द्वारा संचालित यह बहुत ही अच्छा प्रयास है और तिनसुकियावासी होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ऐसे जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का। चूंकि मैं गुवाहाटी में हूँ तो मैं और मेरा छोटा भाई जितेश यादव, हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग भी एक छोटा सा प्रयास करके कुछ जरूरतमंदों को मदद की जाए। इसलिए हम लोगों ने 50 परिवार को जो भी राशि है उसको हम लोग संजय खेतान के पास भेज देंगे और 50 परिवारों को वो सहायता करते हैं। और इस महामारी में एक छोटा सा प्रयास है ताकि लोग सब मिलकर रहें, अच्छे से रहें और सुख शांति से रहें। इधर हर दिन की तरह आज लॉकडाउन के 14वें दिन भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए अलग अलग इलाकों के लोग आते रहे, जिन्होंने चैम्बर रोड स्थित शिवबक्स राय बनारसी लाल छोटा बनवारी के दुकान से राशन प्राप्त किया। इस बारे में जानकारी देते हुए राजेश बेरलिया ने कहा कि राशन लेने आने वालों में से ऐसे कई परिवार थे जिनके घर चूल्हा भी नहीं जला था। उन्होंने बताया कि आज इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया कि हर व्यक्ति जो राशन लेने आया हो उसने जरूर मास्क धारण किया हुआ हो। इस योजना के संयोजक संजय खेतान के अनुसार आज तक लगभग 700 परिवारों को इस योजना के तहत राशन दिया जा चुका है। आगे भी जब तक लोगों का समर्थन जारी रहेगा इस योजना को जारी रखा जाएगा। उन्होंने इस योजना में सहयोग देने वाले हर व्यक्ति व संस्था को धन्यवाद भी दिया। संजय खेतान डांगरिया आज कोरोना भाईरास विरुद्ध जी व्यवस्था लैसे अत्यंत आनंदित कारण इतना दरिद्र लोकर कारण जी व्यवस्था लैसे एसाज अन्न दिवर सीट अत्यंत नितान प्रशंसन और आम आशा राखी अनगत आगे लाख और दरिद्र लोकर एसाज आहार जोान धरार मैं अत्यंत धन्यवाद जाना।